नमस्कार दोस्तों, एकता रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पुदीना शरबत, जो पीने में बहुत टेस्टी है और गर्मियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, कोई गेस्ट आए तब भी आप उसे ये बनाकर पिला सकते हैं। और ये ठंडा ठंडा पुदीना शरबत हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छा भी है। फ्रेंड्स, गर्मियों के दिनों में पुदीना हमें किसी न किसी बहाने खाना चाहिए, चाहे शरबत हो चाहे चटनी, ये दोनों ही तरह से बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने एक बाउल फ्रेश पुदीना लिया है, जिसे मैंने पत्ती तोड़ ली है और इसे अच्छे से धो लिया है। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, जग या लोटा आप कुछ भी ले सकते हैं, उसके अंदर हम पुदीने की पत्तियां डाल देंगे। अब हम इसके अंदर शुगर डाल देंगे, एक चम्मच, ये दो चम्मच, ये तीन चम्मच और ये चार चम्मच। मीठा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं शरबत के अंदर। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। आप इसे मिक्सी से भी ब्लेंड कर सकते हैं, मैं हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। इसकी हम एक चटनी सी बना लेंगे, एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है हमें। पुदीना बहुत ही ठंडा रहता है फ्रेंड्स, गर्मियों के दिनों में तो पुदीने को हमें किसी ना किसी बहाने खाना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगता है और शरबत बच्चों और बड़ों के लिए तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये हमारे पेट को ठंडक पहुँचाता है। अब हम इसके अंदर आधी चम्मच चाट मसाले की डाल देंगे, नमक डाल देंगे, सिंपल नमक लिया है मैंने एक चौथाई चम्मच। आप सिंपल नमक की जगह काला नमक भी डाल सकते हैं। अब हम एक नींबू का रस निचोड़ देंगे, आप इसमें दो नींबू के रस भी निचोड़ सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है फ्रेंड्स, आप ज़रूर पिए। ये बच्चों और बड़ों को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये गर्मी से बचाता है, हमारे पेट में जो है ठंडक पहुंचाता है। आप पुदीना शरबत या पुदीना चटनी गर्मियों में ज़रूर लें। अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे, मैंने 2.5 गिलास पानी डाला है फ्रेंड्स। आप जितना शरबत बनाना चाहते हैं उस हिसाब से पानी और पुदीना और मसाले ले सकते हैं। और इसमें अब हम आइस क्यूब डाल देंगे। और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसे सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए मैंने 2 कांच के गिलास लिए हैं और ठंडा ठंडा शरबत हम इसके अंदर सर्व कर देंगे। फ्रेंड, ये बहुत ही टेस्टी शरबत है, एक बार ज़रूर पिए। पुदीना पत्ती से मैं इसे डेकोरेट करूँगी, जिसे दिखने में सुंदर लगेगा। फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही टेस्टी है। आप ज़रूर ज़रूर बनाकर पिए, गर्मियों में तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और एकता रेसिपी चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।